दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंडा साहिब। सिरमौर जिला के सराहा में स्थित कोविड 19 सेंटर में गुरुवार सुबह 10:30 बजे के करीब कोरोना से संक्रमित एक महिला व उसकी बेटी के पहुंचते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। बताया जा रहा है कि पांवटा साहिब के तारुवाला के रहने वाली महिला अपने परिवार सहित 4 मई को दिल्ली से लौटी थी। इसके बाद एहतियात के तौर पर पूरे परिवार के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें महिला व उसकी 7 वर्षीय बेटी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गुरुवार को उन्हें विशेष एम्बुलेंस से सराहा स्थित कोविड सेंटर में लाया गया। वहीं बीएमओ पच्छाद डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि सराहा अस्पताल की नई बिल्डिंग को कोविड सेंटर बनाया गया है। यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला के परिवार के अन्य सदस्यों को भी निगरानी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ओपीडी व अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में व्यवस्था की गई है। डेडिकेटेड कोविड 19 हेल्थ सेंटर सिविल हॉस्पिटल सराहा में आज से शुरू हो चुका है। इसमें पॉजिटिव केसेज आए हैं, जिनको पूरी जिस तरह से हमारे को डायरेक्शंस हैं, उनको उस तरह से डिफरेंट ब्लॉक में, बिल्कुल डिफरेंट ब्लॉक में इनको एडमिशन दे दी गई है। इसमें जो डॉक्टर स्टाफ नर्सेज क्लास 4 स्टाफ है, वो वैसे ही 7 दिन तक उसी बिल्डिंग में रहेंगे, उसी ब्लॉक में रहेंगे। 7 दिन के बाद इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होंगे। वो स्टाफ दूसरे स्टाफ से नहीं मिलेगा। साइड बाय साइड हमारा सिविल हॉस्पिटल जैसे पहले से चलता था, वो वैसे ही चलता रहेगा। जो नए कम्प्लेक्स के बेड थे हमारे या लेबर रूम थे, हमने ओल्ड कम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिए गए हैं। वहां पे डिफरेंट स्टाफ है और कोविड 19 हेल्थ सेंटर में डिफरेंट स्टाफ है, तो सब कुछ वैसे चलता रहेगा। इसलिए इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। जो पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव केस आए हैं, वो सीधे उस ब्लॉक में आए, वो अंदर ही रहेंगे। उनके रेगुलर टेस्ट होंगे। जिस दिन वो नेगेटिव हो जाएंगे, सिम्टोमेटिक हो जाएंगे, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो देयर इज नो चांस कि वो किसी और को यहाँ इन्फेक्ट कर सके। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सराहा से संजय राजन की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पौंडा साहिब, जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर.के. दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेई, नीट, एनडीए, एनटीएस जैसी विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। नगर परिषद महान प्रबुद्ध जनता से अपील करती है कि कोरोना वायरस कोविड 19 को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन करें। नगर परिषद नाहन द्वारा शहर साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पूरे शहर को अब तक 4 बार पूर्णतः सैनिटाइज किया जा चुका है। साथ ही डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध हैं। नगर परिषद द्वारा प्रत्येक सफाई कर्मचारी को इस मुश्किल समय में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई। नगर परिषद द्वारा पार्षदों के माध्यम से 6000 मास्क आवंटित किए गए। इसके साथ साथ नगर परिषद द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 को लेकर सोशल मीडिया, समाचार पत्रों व होर्डिंग्स लगाकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को प्रचारित व प्रसारित किया गया है। आम जनता से अनुरोध है कि वे घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि वे सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही दुकानें खोलें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। नगर परिषद नाहन पूरे शहरवासियों से अनुरोध करती है कि जिस ढंग से जो हमने अभी दुकानें जिला प्रशासन और सरकार के आदेशों से खोली हैं, जिसमें रेड कलर और ग्रीन कलर लगाया है, रेड कलर के लिए डे फिक्स हैं और ग्रीन कलर के लिए भी डे फिक्स हैं, उसी दौरान जो है वो दुकानें खोलें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो अनुपालन करें, मास्क अवश्य लगाएं, शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थल के ऊपर जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो थूके ना, और इसके साथ साथ जो है अपना जो गार्बेज है वो नगर परिषद की गाड़ियों को दें, कृपया वो जो है सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर ना फेंके।